मतलब सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर कंपार्टमेंट में जमी हुई आइस को बाहर निकालने के लिए आपको किसी भी नुकीली चीज़ का यूज़ नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका फ्रीज़र जो है डैमेज हो सकता है और उसकी गैस भी लीकेज हो सकती है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ सबसे सिंपल प्रोसेस फ्रीज़र कंपार्टमेंट जमी हुई आइस को बाहर कैसे आप निकाल सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये आपका दिया हुआ डिफ्रॉस्ट बटन, इसको आपको अंदर की तरफ पुश करना है। पुश करने के बाद जितनी भी आइस आपके फ्रीज़र कंपार्टमेंट में जमा होगी वो मेल्ट होकर धीरे धीरे बाहर निकल जाती है और कुछ घंटों के बाद रेफ्रिजरेटर फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन? अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।